तो आपने बीटेक करके ये प्लान कैसे आया आप? तो आपके माइंड में कैसे आया, मतलब कि जो आप ये जो रेडी करते हो ये कैसे रेडी करते हो आप बोल सकते हैं? ये एक प्लेट कितने पीस होते हैं? एक चीज और, दीदी ने आलू में भी कुछ नहीं डाल रखे, सिंपल आलू, प्लेन आलू। कुछ भी चीज स्टार्ट करने के लिए ना थोड़ी मतलब शर्म आती है, झिझक आती है, तो आपको मतलब वो चीजें फेस करनी पड़ी। दीदी आपकी कितनी फ्रेंचाइज है टोटल? ये जो दही है ना ये डेयरी कर्ड नहीं है, जो नॉर्मल दही खाते हैं आप ये वो नहीं है। आप बुलेट दिखाते हो जी, बुलेट नहीं दिख रहा है आपका। जब फेमस हो जाते हैं तो इनके नाम के फेक बहुत खुल जाते हैं। तो पानीपुरी हमारी जो होती है ना ये आटा सूजी का कस्टमाइज्ड होता है और इसको तेल में तल के नहीं बनाते, जीरो ऑयल है। देखोगे इसमें पूरी भरा हुआ है, हल्का भी जगह नहीं है, इसमें पूरे भरे भरे है। तो गाइस तो अभी जो है बीटेक पानीपुरी जो आपने भी देखा होगा, बीटेक पानीपुरी एक दीदी जो होती है बाइक से जो अपना ठेली लगाती है वो जस्ट हमारे सामने है। मैंने नहीं पहचाना, हरीश भाई ने पहचाना, फिर मैंने कंफर्मेशन के लिए उनका एक वीडियो देखा। अभी हम चलते हैं उनके पास बीटेक पानीपुरी वाली से। हाय दिल गार्डन का दिल गार्डन गार्डन हो गया। हाँ रजौरी गार्डन में आ गया, दिल गार्डन गार्डन हो गया। ये देखो गाइस यही वो दीदी है, आइए सामने खड़ी है। चलते हैं भाई, अब तो मैं जा रहा हूँ, मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा भाई, भले मैं पानी पूरी वो इसने चैलेंज रखा था, चैलेंज करेंगे वहाँ पर, देखते हैं जो होगा देखा जाएगा। तो चलो चलो भाई इतना वेट नहीं करना है। तो हम दीदी के पास आ गए अभी और दीदी का पानी पूरी हम लोग ट्राई करते हैं। और दीदी दीदी कैसी हो आप? बहुत बढ़िया दीदी। दीदी का छोले भटूरे देखो आप कितने मस्त लग रहे, गोल गोल पूरे। भाई हमारी तो हमारा गाय नहीं भाई, चैलेंज अभी नहीं कर सकते, छोले भटूरे खा लिया वैसे मैं खाऊंगा, ट्राई करूंगा भाई। बहुत दीदी का रील, बहुत रील देख लिए दीदी का, ट्राई करते। तो ऐसे तो हम यहाँ आए अभी दीदी से, देखो अब दीदी का ये दुकान देख लो आप, पूरा पानीपुरी दीदी से मिल रहे हैं। उनका खुद का ग्लास है, कस्टमाइज ग्लास है, ग्लास में थोड़ा दीदी बनाते कैसे। ये एक प्लेट कितने पीस होते हैं? ये 7 पीसेस होते हैं, ये दही पूरी है, जो हमारी दही है वो नो डेयरी नो लैक्टोज है, ये पीनट कर्ड है, बहुत क्रीमी होता है। कौन सी वाली चाहिए हरीश भाई, कौन सी वाली खानी है? ले लेते दोनों एक एक प्लेट, एक प्लेट ले ले वो दही वाली, ठीक है तो एक प्लेट दही वाली ले लो। आप यहीं पे लगाते हो डेली? नहीं हमने यहाँ पे आया था वो छोले भटूरे खाने, तो अचानक से नज़र पड़ा तो बोले पहले देखता हूँ ये दीदी का। आप भी जगह फ्रेंचाइज हो गए तो मतलब आपने कितना टाइम हो गया स्टार्ट कर रहा हूँ? एक साल हो गया, एक साल हो गया। आप बुलेट दिखाते हो जी, बुलेट नहीं दिख रहा है आपका। अच्छा कार से आते हैं अब दीदी फेमस हो गई है। अब तो रास्ते में आपके सब्सक्राइबर दिख लेते होंगे तो सब रुक जाते होंगे, दीदी सेल्फी दे दो, प्यार है यहाँ। यही बन रहे गाइस, अब पानी देखो ये सारे सारे फ्लेवर वाइज रखा हुआ है। ये जो आपके फ्लेवर है अलग अलग फ्लेवर हैं सारे? अच्छा ये कौन सा फ्लेवर है ये वाला? खट्टा मीठा और खट्टा होता है हमारे पास। अच्छा चलो भाई आज आज एक और सपना पूरा हो गया, अब ट्राई कर लेते हैं। बहुत मैं उसके बाद ये देखा, ये बैकग्राउंड में देखा हो, उसके बाद मैं कंफर्म हो गया कि यही है। जब फेमस हो जाते तो उनके नाम के फेक बहुत खुल जाते हैं, तो इसलिए अपना प्रॉपर हो जाना चाहिए उसके बाद आते हैं। बाकी आप लोग भी दीदी को जानते होंगे, उनके बारे में ज़्यादा बताऊँ नहीं, आप लोग कुछ पता है। ये सारे फ्लेवर हैं।
इस भाई पानी पूरी खाएंगे, मैं एक पीस खा लेता हूँ। चल शॉर्ट शॉर्ट से ले लेता हूँ, ठीक है। तो भाई अभी हम पानी पूरी खाते हुए, अभी तक पानी पूरी रेटिंग बताओ भाई। एक नंबर भाई, खट्टा नहीं था, अभी ट्राई करो। लो कैमरा पकड़ लो, मैं खिलाता हूँ भाई को। वो टूट गया पगर आराम से, टूट गया। तो रोहन भाई भी खाते हुए, मैं पानी पूरी नहीं खाता, बट यार मजा आ गया ये खा के। मुलायम कितने हैं ये देखना, सॉफ्ट। ये बिना मीठे का आप भी ट्राई करो। मैं नहीं खाता, मैं पानी पूरी बस दीजिए, बस 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 हमें दही वाले लगा दो। नहीं मैं नहीं खा लूँ। अब देख दीदी, जैसे हम बाहर खाते हैं थोड़े वो। तो दीदी ने बताया ये जीरो ऑयल होता है। हाँ हाँ, लाइट है काफी। ये हमारे बन रहे हैं दही वाले। तो ये पानी पूरी हमारी जो होती है ना, ये आटा सूजी का कस्टमाइज्ड होता है और इसको तेल में तल के नहीं बनाते, जीरो ऑयल है ये। ओके, इसी से हम पानी पूरी खिलाते हैं और इसी पानी पूरी में आपको दही पूरी भी खिलाएंगे। और दीदी ये क्या चीज़ है बोतल में? ये तो पानी है। पानी है, अच्छा। इसमें एक और बेनिफिट है, तुम्हारे हेल्थ प्रॉब्लम नहीं होगी। जीरो हाँ जी, जो कॉन्सेप्ट है ना वो हेल्दी फूड का कॉन्सेप्ट है और हमने पानी पूरी से शुरू किया था। अभी हमारे पास पानी पूरी, दही पूरी, पापड़ी चाट भी होती है और हमने अभी अभी रिसेंटली साउथ इंडियन फूड लॉन्च किया, उसका मेन्यू ये है। ओके, तो भाई देखो ये मेन्यू है। तो दीदी जो आप ये जो रेडी करते हो, ये कैसे रेडी करते हो आप बोल सकते हैं? ये आटा सूजी का पहले हम मशीन से ही बनाते हैं हम भी, क्योंकि हम हाइजीन का ख्याल रखते हैं। ओके, और इसमें ये नहीं होना चाहिए अनहाइजीन इन्वॉल्व ना हो, इसीलिए बैन एंड वो सब का ध्यान रखते हुए मशीन से प्रिपरेशन करते हैं। बट उसके बाद हम इसको बेक करते हैं मशीन से। बेक तो ट्रेडिशनल मेथड से करते हैं, जैसे नॉर्मल। एक चीज और दीदी ने आलू में भी कुछ नहीं डाल रखे, सिंपल आलू, प्लेन आलू। और ये सुंदर आलू मतलब साफ सुथरे, जब मैं पानी पूरी खाती थी तो मुझे बहुत कम देखने के लिए मिलते थे। अच्छा। बहुत कम मतलब है ही नहीं, फर्स्ट टाइम में दिल्ली में लग रहा है ना, फर्स्ट है ना आज। तो बहुत ज्यादा फ्रेंचाइज हो गए दीदी। दीदी आपकी कितनी फ्रेंचाइज है टोटल? हमारे टोटल आउटलेट 40 प्लस है पैन इंडिया में पूरे। 40 प्लस है दिल्ली में? वैसे कितनी है ओनली दिल्ली? दिल्ली 6 है, वेस्ट दिल्ली में है सारी। ये जो दही है ना, ये डेरी कर्ड नहीं है, जो नॉर्मल दही खाते हैं आप, ये वो नहीं है, ये पीनट कर्ड है। ये देखो, तो बहुत क्रीमी होती है और इसको हम खुद बनाते हैं, हम आउटसोर्स कुछ नहीं करते। हाइजीन और हेल्थ का क्वालिटी चेक रखने के लिए सारी मेकिंग हमारी इन हाउस होती है, मतलब बाहर से आप कुछ नहीं करते हो, खुद आप सब बनाते हो सारी चीज़ें। ऑर्गेनिक पीनट्स की ये पीनट कर्ड है, मूँगफली के दूध से बनाई हुई दही है, क्योंकि डेरी में आजकल क्रूरता के साथ साथ बहुत अनहेल्दीनेस भी है आज के टाइम में। डेरी इज नो मोर हेल्दी फॉर यू, तो इसीलिए हम डेरी पीनट कर्ड बनाते हैं। तो आपने बीटेक करके ये प्लान कैसे आया? बीटेक करके नहीं, अभी मेरा बीटेक चल रहा है, मैं फाइनल ईयर स्टूडेंट। अच्छा, अभी आपका चल रहा है, साथ में बिजनेस भी चल रहा है। तो मतलब आपके साथ में लोगों के लिए अच्छा खाना सर्व करना भी चल रहा है। अच्छा, तो आपके माइंड में कैसा है, मतलब कि माइंड में आना? तो इट्स अ क्वाइट डिफरेंट स्टोरी, क्योंकि मुझे खुद को ही हेल्दी फूड की प्रॉब्लम होती थी। अच्छा। आपको हेल्दी फूड आप देखेंगे अफोर्डेबल प्राइस पे नहीं मिलता है ना, जो हाइजीन के साथ आता हो, और मेजरली इंडिया में स्ट्रीट फूड में लोग हेल्दी और हाइजीन ढूंढने की कोशिश करते हैं लेकिन मिलता नहीं है। तो भाई देखो दीदी कितनी प्यार से सर्व कर रही हैं। ये प्रॉब्लम देखते हुए ही हमने खुद से ये स्टार्ट किया कि पानी पूरी से, मतलब आपको खुद को लगा कि मतलब कुछ हेल्दी होना चाहिए इस फील्ड में भी? बिल्कुल। तो इसलिए आपके माइंड में ये सारी चीज़ें आई। हाँ।
आगे गाइस देखो इतने पे बाकी लोग दे देते हैं, बट दीदी इसमें अभी बादाम भी डाल रहे हैं। एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ, जैसे कि स्टार्टिंग में आजकल की क्या है कि कुछ भी चीज़ स्टार्ट करने के लिए ना थोड़ी मतलब शर्म आती है, झिझक आती है, तो आपको मतलब वो चीज़ें फेस करनी पड़ी? When you are educated enough ना, तो ये shy, ये सब shy होना, क्योंकि अभी मैं अपनी बताऊँ तो क्योंकि मुझे अभी वीडियो शूट करने में भी मतलब थोड़ी हिम्मत करनी पड़ रही है, तब जाके वीडियो शूट कर रहा हूँ यहाँ पे, हाथ कांप रहे अभी भी। एजुकेशन एम्पावर्स यू, हां जी, पढ़ाई लिखाई करने का यही फायदा होता है, पढ़ाई लिखाई करने का, कि आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, आप जो शाई नेचर होता है उस चीज को बहुत पीछे छोड़ के आ जाते हैं, और आपको सही मायने पता चल जाते हैं एजुकेशन के, कि पढ़ाई लिखाई करना जरूरी है लेकिन उसके साथ साथ उसको इम्प्लीमेंट करना राइट डायरेक्शन में, वो भी बहुत जरूरी है। तो मैंने जो पढ़ा लिखा, हाइजीन, हेल्दीनेस और जो भी एजुकेशन ली उसको मैं अच्छी तरह से इंप्लीमेंट कर रही हूँ यहाँ पे। वी आर जीरो प्लास्टिक ऑन स्ट्रीट, और ये भी हमारी पीनट करके डेरी तो रेडी हो चुकी है। थैंक यू दीदी, हेल्दी वीगन दही पूरी। थैंक यू, चलो आप ट्राई करते हैं, ट्राई करो। ये देखोगा इसमें पूरी भरा हुआ है, हल्का भी जगह नहीं है इसमें, पूरे भरे भरे है। कैसा लग रहा है भाई? बढ़िया, तो ट्राई करते हैं भाई हम भी। तो गाइस तो हमने अभी बिटेक दीदी का भी पानी पूरी ट्राई कर लिया, इतना मज़ा आया भाई, जीरो जीरो ऑयल था, मुंह में जाते ही भूल जाता था। अभी यहाँ बारिश स्टार्ट हो गई है इसलिए हम थोड़ा यहाँ पे अभी रुके हुए हैं निकलने के लिए। तो दोनों ने खाए, कैसा लगा भाई? मज़ा आ गया भाई एकदम। ऊपर से हमने दीदी के साथ दो तीन फोटो भी क्लिक करवाए भाई, दिल खुश हो गया भाई। अभी हम नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, फिर कभी आएंगे चल निकाल लो। तो गाइस तो अभी ब्लॉग को जो है मैं ये वाला यहीं पे बंद कर रहा हूँ, ये वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा दो पार्ट में, एक पार्ट में अपलोड कर दूंगा ये वाला, बाकी देख लूँगा जैसे होगा, बाकी आपको पता चली जाएगा। सी यू सून।